नमस्कार दोस्तों, टेक विश्व के एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत और चलिए आज हम बात करने वाले पोको X3 प्रो के बारे में। अनलिश प्रोफॉर्मेंस करके ये फ़ोन मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो आज ही ये फ़ोन नया लॉन्च हुआ है। इसका लाइव इवेंट भी मैंने कवर अप किया है, तो प्लीज़ उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो देखते पोको X3 प्रो यहाँ पे आप जैसे यूज़र्स के लिए या हम जैसे इंडियन कस्टमर्स के लिए क्या क्या लेके आया है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिल रहा है, लिक्विड कूलिंग देखने को मिल रहा है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर दिया हुआ है, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड किया है और 6.67 इंच का फुल HD प्लस स्मार्ट डिस्प्ले भी दिया गया है। तो स्मार्ट डिस्प्ले यहाँ पे जो है वो एडेप्टिव टच स्क्रीन रेशो आपको देखने को मिलेगा, रिफ्रेश रेट, उसकी वजह से इसको स्मार्ट डिस्प्ले बोला गया है। तो इस तरीके से आने वाले बहुत सारे फीचर्स के साथ में ये एम्बेडेड आ रहा है ये फ़ोन। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर यहाँ पे दिया गया है, तो मुझे लगता है 800 सीरीज का प्रोसेसर आपको इतने कम प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको 7 नैनोमीटर का प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल रहा है। एड्रेनो 640 का GPU मिलेगा और क्रायो ऑक्टाकोर CPU आपको देखने को मिलेगा और इसका क्लॉकिंग स्पीड है 2.96 GHz तक ये क्लॉक हो सकता है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्रोसेसिंग पावर यहाँ पे 860 को दिया गया है। सस्टेनेबल पीक परफॉर्मेंस मिलेगा आपको लिक्विड कूल प्लस की वजह से, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको कूलिंग मिलेगा और मल्टीलेयर ग्राफाइट शीट्स भी आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इजीली हीट डिसिपेट होगा और जिसकी वजह से आपका हीट पाइप की वजह से आपका जो डिवाइस है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा और जो प्रोसेसर है उससे हीट थोड़ा दूरी पे लेके जाके वो डिसिपेट हो सकेगा। आगे हम बात करेंगे UFS 3.1 की। तो यहाँ पे जो स्टोरेज दिया गया है वो UFS 3.1 का है, जिसकी वजह से आपको अच्छे क्वालिटी का रीड एंड राइट स्पीड देखने को मिलेगा। उसी के साथ में 8GB तक का LPDDR4X रैम आपको देखने को मिल रहा है। ये दोनों क्लब हो गए एक बेटर रीड एंड राइट परफॉर्मेंस के लिए, जिसकी वजह से आपका फ़ोन लैग नहीं करेगा और आपको एक बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इन अ डे टू डे ऑपरेशंस। आगे बात करते हैं, यहाँ पे रियलिटी फ्लो डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है, जो 120 हर्ट्ज का स्मार्ट डिस्प्ले है। 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट के साथ में भी आता है। तो मुझे लगता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग दोनों मिलके इस डिस्प्ले को बहुत स्मूथ एंड फ्लूइडिक बनाएंगे और उसी के साथ में जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो भी एडेप्टिव है, मतलब वो कम ज़्यादा होगा आपके यूज़ के हिसाब से। स्टीरियो स्पीकर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, उसी के साथ में यहाँ पे हाईरेस का ऑडियो सर्टिफिकेशन भी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है गेम खेलते वक्त या बिंज वॉच करते वक्त, मूवी को बिंज वॉच करते वक्त आपको ज़रूर यहाँ पे एक बेटर ऑडियो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। तो अ बिग थम्स अप फॉर दीज टू स्टेरियो स्पीकर्स। कैमरा के फ्रंट पे बात करते हैं तो 48 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ये भी एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन रहेगा, जहाँ पे 48 मेगापिक्सल का सोनी से डिराइव किया हुआ आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल रहा है, जो आपको क्लियर एंड क्रिस्प फोटोज़ देने का कोशिश करेगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे 5160 mAh का बैटरी आपको देखने को मिल रहा है, 33 वॉट का फास्ट चार्जर भी आपको इन द बॉक्स प्रोवाइड किया गया है, उसी के साथ में USB PD सपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे तो मुझे लगता है ये 2 दिन का स्टैंड बाय टाइम आपको ज़रूर मिलेगा इसमें, और 5160 mAh का बैटरी एक बड़ा बैटरी होता है, जहाँ पे आपको ईजिली जूस मिलेगा गेम वगैरह खेलने के लिए। कॉर्निंग का भी गोरिल्ला ग्लास 6 यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो मुझे लगता है द स्ट्रांगेस्ट ग्लास फॉर बेस्टेस्ट फोन, अभी तक किसी ने कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 6 नहीं इस्तेमाल किया, तो वो एक यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। इसी के बीच सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने मेरे टेक विश्व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे टेक विश्व यूट्यूब चैनल को। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर और हर एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा ऐसे नए नए वीडियोज़ हर दिन बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको एक फ्रेश एपिसोड के साथ टुमारो, तब तक यू गाइस टेक केयर। द यूनिवर्स ऑफ इनफाइनाइट टेक्नोलॉजी से बने रहिए फॉर द न्यू लेटेस्ट टेक अपडेट्स ऑन अ डेली बेसिस। बाय बाय।